नमस्कार दोस्तों, मैं कुश ठाकुर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन करवा रहा हूं। जी हां, ये उत्तर भारत में स्थित अर्थात दिल्ली में स्थित है और चलिए मेरे साथ दर्शन करिए इस अलौकिक मंदिर का और दर्शन का लाभ उठाइए और चैनल में इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जय हिंद। दोस्तों दिल्ली मेट्रो में हम यात्रा कर रहे हैं और कुछ देर में हम पहुंच जाएंगे छतरपुर मेट्रो स्टेशन। जी हाँ, अब आप समझ ही चुके होंगे कि हम छतरपुर मेट्रो स्टेशन क्यों आए हैं, क्योंकि आज हम आपको दर्शन करवाएंगे छतरपुर मंदिर का। जी हाँ दोस्तों, इसका पूरा इतिहास हम आपको बताएंगे, लेकिन हमें रास्ते में ही इस मेट्रो स्टेशन पर बूस्टर डोज लगते हुए मिल गया। जी हाँ, तो हमने सोचा कि क्यों ना बूस्टर डोज लगवा लिया जाए, तो हमने इस मौके का फायदा उठाया और यहाँ पर बूस्टर डोज लगवाया। साथ में जा कोरोना जा का भी हमने गीत गाया ताकि कोरोना चला जाए। जी हाँ, आज़ादी का आप देख सकते हैं कि अमृत महोत्सव चल रहा है और उसी में बूस्टर डोज लगाया गया है। अब दोस्तों हम आ चुके हैं फुटओवर ब्रिज पर, आप देख सकते हैं कितना मनोरम दृश्य है, बादल छाए हुए आकाश में, बहुत ही सुंदर वातावरण है और हम लोग नित्य बढ़ रहे हैं मंदिर की तरफ। छतरपुर मंदिर की बात करें दोस्तों, तो इसकी स्थापना 1974 में कर्नाटक के संत बाबा नागपाल के प्रयास से संभव हुआ था। और जहां पर दोस्तों अभी आप भव्य मंदिर देखेंगे, वहां पर एक कुटिया हुआ करती थी और धीरे धीरे मंदिर का क्षेत्रफल जो है दोस्तों 70 एकड़ तक लगभग फैल गया है। इस मंदिर में आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही सुंदर दृश्य है। इस मंदिर में माँ दुर्गा अपने छठे रूप माता कात्यानी के रौद्र स्वरूप में दिखाई देती हैं। देख सकते हैं दोस्तों हनुमान जी के भी दर्शन आपको हो रहे हैं, अतुलनीय दर्शन। जी हाँ, और दोस्तों 2005 में दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर बनने से पहले ये छतरपुर मंदिर भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा नहीं, दूसरा सबसे बड़ा मंदिर हुआ करता था। और अगर हम बात करें दोस्तों तो सबसे नज़दीकी करीबी रेलवे स्टेशन की बात करें तो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है और सबसे नज़दीक का हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अब हम दोस्तों जूते की लाइन में आ चुके हैं, यहाँ जूता स्टैंड है दोस्तों, यहाँ पर आप अपने जूते रखवा सकते हैं। और मैं नवरात्रों से जस्ट पहले यहाँ आया हूँ तो अभी आपको यहाँ पर भीड़ कम लग रही है, लेकिन दोस्तों नवरात्रों के लिए बहुत ही बेहतरीन तैयारियाँ चल रही हैं, सजावट का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं ये प्रांगण है, विशाल प्रांगण, और आप देख सकते हैं कि जगह जगह तैयारियाँ चल रही हैं, काफ़ी भक्त भी आए हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। आइए जानते हैं दोस्तों इस मंदिर के पीछे की पौराणिक कथा को। जी हाँ, इस पौराणिक कथा के अनुसार एक ऋषि ने दुर्गा देवी की कठोर तपस्या करी और जब दुर्गा जी प्रसन्न हुई तो उन्होंने इन्हें वरदान मांगने को कहा। उन ऋषि का नाम कात्यान ऋषि था। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर में पुत्री बनकर जन्म लो। दुर्गा माता प्रसन्न हुई और उन्हें इच्छा अनुरूप वरदान दे दिया। देवी ने फिर ऋषि के घर में कात्यानी पुत्री के रूप में जन्म लिया और तभी से देवी के इस अवतार को कात्यानी देवी का अवतार कहा जाता है। आइए दोस्तों हम यहाँ पर दर्शन करते हैं माता के दुर्लभ अवतार का। देख सकते हैं दोस्तों दुर्गा माँ विराजमान है यहाँ पर। ठीक ठीक दोस्तों, इसलिए दिल्ली के इस मंदिर को कात्यानी देवी का छतरपुर का मंदिर भी कहा जाता है। दोस्तों इस मंदिर की स्थापना जैसा कि मैंने कहा संत नागपाल जी ने करी थी 1974 में। आप देख सकते हैं शिवलिंग के दर्शन, शिव और पार्वती माता यहाँ विराजमान हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि बहुत बेहतरीन तैयारियाँ चल रही है, नवरात्रि आने वाली है दोस्तों। इस पावन अवसर के लिए पूरे मंदिर के प्रांगण को सजाया जा रहा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और कात्यानी देवी मंदिर में दोस्तों दो बार नवरात्रि के मौके पर ही इस मंदिर को खोला जाता है, कात्यानी देवी माता के मंदिर को, क्योंकि उस वक्त हजारों भक्त देवी के दर्शन करने के लिए यहाँ बहुत दूर से आते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ये प्रवेश द्वार, ये माता का मंदिर। और दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ के शिव मंदिर, राम मंदिर, माँ कात्यानी मंदिर, माँ महिषासुर मर्दिनी मंदिर, माँ अष्टभुजी मंदिर,
मार्कंडेय मंदिर बाबा की समाधि है, नागेश्वर मंदिर त्रिशूल है, आप देखेंगे वीडियो में आगे, तो ये काफी सारे विशेष आकर्षण है इस मंदिर के। आप देख सकते हैं दोस्तों नवरात्रि के लिए काफी स्पेशल प्रिपरेशन चलती हुई। नवरात्रि के दिनों पर यहाँ पर लाखों लोगों को लंगर और प्रसाद भी बांटा जाता है दोस्तों। ये दृश्य देखने वाला होता है दोस्तों, बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों प्रांगण में जहाँ मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, यहाँ लक्ष्मी माँ और गणेश भगवान विराजमान हैं। आप इनके भी दर्शन प्राप्त करिए। दोस्तों आप दर्शन कर पा रहे हैं बजरंगबली जी की। जी हाँ, बहुत ही दुर्लभ दर्शन है, बजरंगबली जी यहाँ विराजमान हैं। और जब भी दोस्तों मन शांत होता है तो यहाँ पर आकर के बहुत ही शांति मिलती है। आप देख सकते हैं मार्कंडेय मंडप यहाँ बना हुआ है।